सोलन में सरकारी नियमों और न्यायालय के आदेशों की धज्जियां जोरों शोरों से उड़ाई जा रही हैं। हद तो यह है कि सोलन के पाइन ग्लोब स्कूल में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम के दौरान सरकारी फरमानों को ठेंगा दिखाकर थर्माकोल की प्लेटों को उपयोग में लाया जा रहा था। आपको बता दें कि हिमाचल में थर्माकोल पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि हिमाचल को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। इसके लिए महाबली दिलीप सिंह राणा को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, लेकिन इस घटना को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी फरमानों को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है और यहां तक कि जिस मुख्यमंत्री ने पोलोथीन और थर्माकोल को बंद करने का ऐलान किया था उसी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यक्रम में उनके आदेशों की अवमानना होती रही। देखना ये होगा कि इस घटना पर पुलिस और प्रशासन क्या कार्यवाही अमल में लाता है।